भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण केंद्रों पर रंगोली प्रतियोगिता संपन्न, स्कूली बालिकाओं ने बनाई आकर्षक रंगोली। विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दिया विधायक को ज्ञापन, सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की रखी मांग। सात माह से मानदेय को तरस रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। और नेता प्रतिपक्ष मारपीट प्रकरण को लेकर एसपी से मिले कांग्रेसी, प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की रखी मांग। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत आमजन को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से मंगलवार को शहर के 3 कचरा संग्रहण केंद्रों पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आमजन को कचरा फैलाने के बजाय स्वच्छता के प्रति ज्यादा ध्यान देने के उद्देश्य से आयोजित किए गए उक्त कार्यक्रम के तहत मंगलवार को शहर के छावनी फाटक बाहर अंडर ब्रिज के पास स्थित कचरा संग्रहण केंद्र पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने भाग लेकर स्वच्छता को प्रदर्शित करने वाली आकर्षक रंगोली बनाई। इस दौरान कचरा संग्रहण केंद्र की साफ सफाई करवाते हुए आसपास के क्षेत्रवासियों को यहां पर कचरा नहीं डालने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान यहां पर पौधे लगाए गए ताकि भविष्य में यहां पर कोई कचरा नहीं डाल सके। इसी प्रकार ब्यावर क्लब के पास स्थित कचरा संग्रहण केंद्र पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी मोहल्ला की बालिकाओं ने भाग लिया तथा आकर्षक मांडने में रंगोली सजाई। यहाँ पर भी परिषद कर्मचारियों तथा छात्राओं ने आमजन को साफ सफाई का महत्व बताते हुए यहाँ पर कचरा नहीं डालने की बात कही। मेवाड़ी गेट बाहर सब्जी मंडी पर स्थित कचरा संग्रहण केंद्र पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा मोहल्ला की बालिकाओं ने भाग लिया। यहाँ पर भी बालिकाओं की ओर से आकर्षक रंगोली बनाई गई, साथ ही आसपास के लोगों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखते हुए कचरे को परिषद की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही डालने की नसीहत दी। इस दौरान केंद्र के आसपास पौधे लगाए गए तथा यहाँ पर कचरा निषिद्ध का बोर्ड लगाया गया। इस दौरान नगर परिषद के मोहिंद्र फुलवारी, गुलशेर खान, सफाई जमादार हरिराम लखन, दीप सिंह तथा स्कूल की बालिकाएं उपस्थित थी। नगर परिषद ब्यावर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्यावर को सुंदर और साफ बनाने के लिए जहां पूर्व में कचरा संग्रहण केंद्र थे उनको साफ करवा करके वहां ग्रीनरी विकसित करनी और उसको सुंदर बनाने के लिए विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है। ब्यावर में मेवाड़ी गेट और ब्यावर क्लब के पास में और साथ में छावनी, इन 3 जगह पर आज प्रारंभिक तौर पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है और आगे अग्रिम कार्रवाई करते हुए और जगह पर भी इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिस पर 26 जनवरी को श्रीमान उपखंड अधिकारी द्वारा उसको सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंगलवार को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित की गई चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यालय की कक्षा पहली तथा 12वीं की करीब 100 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण को दर्शाते हुए आकर्षक चित्र बनाए। परिषद के नगर मंत्री यश खंडेलवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार तथा शेष प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभागियों को जयंती कार्यक्रम के गुरुवार को आयोजन समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मंगलवार को प्रतियोगिता के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष आदर्श बाबेल, शैतान सिंह भाटी, दुष्यंत रावत, विजय चौहान, मनीष पटेल, जेपी जांगीर सहित स्कूल की अध्यापिकाएं व छात्राएं उपस्थित थी।
महारानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे विभिन्न आयोजनों के तहत महिला सशक्तिकरण की जो थीम है उस विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सीनियर सेकेंडरी 11th और 12th क्लास की गर्ल्स इसमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में जो प्रथम 5 स्थान प्राप्त करेगी उन छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सभी जो छात्राएं जो प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। झूलेलाल युवा सेवा समिति की ओर से शहीद हेमू कालानी के 75वें शहादत दिवस के मौके पर हर माह की 21 तारीख को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में मंगलवार को समिति की ओर से सेवा कार्य किया गया। इस दौरान समिति की ओर से रोगी सेवा का सर्वोपरि मानते हुए शहर के सरकारी अस्पताल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में रोगी परिजनों के बैठने के लिए मदर चाइल्ड विंग में 2 कुर्सियां भेंट की गई। इस दौरान समिति कार्यकर्ताओं ने अस्पताल PMO डॉक्टर MK जैन को कुर्सियां भेंट की। इस मौके पर नारायण दास वाधवानी, लक्ष्मण दास तेजवानी, दिलीप खत्री, जय सदनानी, विजय डेटानी, दिनेश सावलानी, राम विशन दासानी, भरत हंसराजानी, रवि आसनानी, सुंदर तेजवानी तथा लक्ष्मण गुणानी सहित अन्य उपस्थित थे। समिति के कमल चिचलानी ने बताया कि आगामी 21 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अमर शहीद हेमू कालानी के 75वें शहादत वर्ष के तहत इस माह झूलेलाल युवा सेवा समिति द्वारा अमृत कौर चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग में आज 2 कुर्सियों का निर्माण कराकर चिकित्सालय प्रमुख को यह सौंपी गई है, जिससे रोगी एवं रोगी के परिजनों को यहां बैठने में सुविधा हो सके। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा जवाजा ने मंगलवार को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री के नाम विधायक शंकर सिंह रावत को एक ज्ञापन दिया। विधायक रावत को दिए गए ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ 1 अक्टूबर से दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों ने बताया कि वेतनमान दिए जाने की तिथि से शिक्षकों को वेतन विभत्ते दिए जाने चाहिए, जबकि उक्त जारी अधिसूचना समझौते एवं राज्य की घोषणाओं के विपरीत है। इस अधिसूचना में 6ठे वेतन आयोग में रही विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है, जिससे राज्य के समस्त शिक्षकों में राज्य सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। ज्ञापन में शिक्षकों ने 7वें वेतनमान की सिफारिशें राज्य में भी केंद्र के समान करने, शिक्षकों के सभी संवर्गों का वेतनमान केंद्र के शिक्षकों के समक्ष निर्धारित कर 7वें वेतन आयोग में स्थिरीकरण करने, मूल कटौती को तत्काल निरस्त कर व्याख्याता वर्ग के साथ हुए अन्याय से राहत देने, नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू तथा राज्य सरकार के शिक्षा को PPP मोड पर दिए जाने के निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। इस दौरान नारायण लाल प्रजापति, लेखपाल सिंह, गोविंद सिंह, मुकेश गर्ग, प्रकाश हंसराजानी, परमेश्वर सिंह, श्री किशन शंभुदयाल व्यास, रघुवीर सिंह, सुभाष चंद जांगीर, गोपाल सिंह सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षण राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर की ओर से 7वें वेतन आयोग में रही विसंगतियों को लेकर आज हमारे पूरे राजस्थान में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना था, उसी के क्रम में आज विधायक महोदय श्रीमान शंकर सिंह रावत साहब को जिला शाखा ब्यावर की ओर से और उपशाखा जवाजा ब्यावर और बड़ाखेड़ा की ओर से ज्ञापन देकर सरकार से आह्वान करेंगे कि जो कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं उनको पूरा करें। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जयपुर की जिला अध्यक्ष चंदा चौहान ने मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों तथा सहायिकाओं के साथ उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर 7 माह का बकाया वेतनमान दिलाए जाने की मांग की है। SDM को दिए गए ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत देलवाड़ा, सुहावा, सरमालिया, बलाड, ब्यावर खास, नुंद्री, मेंद्रातान, मेडिया तथा किशनपुरा में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा सहायिका को विगत 7 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय के अभाव में इनको भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस बाबत CDPO जवाजा तथा विकास अधिकारी जवाजा को करीब 5 बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ज्ञापन में 30 नवंबर तक मानदेय का भुगतान नहीं मिलने पर मजबूरन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वाली महिलाओं में सुल्ताना कुरेशी, ममता देवी, रजिया बानो शेख, पुष्पा देवी, गीता चौहान, सीमा काठात, शारदा लोधा,
दर्शना देवी, सुनीता, मंशा देवी, जमुना देवी, आफू बानो, हाजरी, जमीला, सुगना, मंजू देवी, संगीता टेलर सहित अन्य शामिल थी। हमको छह महीने से ज्ञापन देते आ रहे, अभी तक पेमेंट का कुछ हुआ ही नहीं और आधी महिलाओं को पेमेंट मिल गया और आधी को मिला ही नहीं। जैसे ब्लाड पंचायत है, नूंद्री मेंद्रा थान है, सरगांव है, सरमाइला, मेड़िया है, देलवाड़ा पंचायत, इन पंचायतों का अभी तक कोई मान देगा पता ही नहीं। इनमें से भी कई आशाओं का आ रहा तो किसी की कार्यकर्ता का आ रहा, किसी का आ ही नहीं रहा। तो जहाँ जाए जब तक ज्ञापन देते आ रहे और यही ऑर्डर मिलता, हाँ आ जाएगा तो कब तक आएगा इसका भी तो हमें कुछ बताओ कि भी 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, हफ्ता जब तक होगा वो तो डिसीजन हमें दिखा बताओ तो हम या फिर हम सेंटर बंद कर देंगे। अजमेर रोड नरसिंहपुरा स्थित मुंशी कॉलोनी के निकट स्कूल के पास सड़क पर फैल रहे दूषित पानी से बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। मुख्य सड़क पर पानी फैलने के कारण आमजन के साथ साथ स्कूल आने जाने वाले बच्चों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। इस बाबत क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। परेशान क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नरसिंहपुरा स्थित मुंशी कॉलोनी की ओर से जाने वाले रास्ते पर कुछ लोगों ने पानी निकासी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे सारा का सारा पानी सड़क पर फैल रहा है। उक्त मार्ग पर 2 स्कूलें संचालित है, यहां पर दिन भर मासूम बच्चों का आना जाना रहता है। पानी के कारण बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद हनुमान चौधरी ने बताया कि इस बाबत नगर परिषद आयुक्त तथा सफाई जमादार को अवगत कराया गया लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों तथा स्कूल आने जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद चौधरी ने परिषद प्रशासन से शीघ्र ही इस समस्या की ओर ध्यान देकर समय रहते इसका समाधान करवाने की मांग की है। विरोध जताने वालों में पुष्प भंसाली, ईश्वर वैष्णव, महेश शर्मा, सुरेश बागोरिया, मदन यादव, भंवरलाल दिया, विजय यादव, कन्हैयालाल खत्री, ठाकुर सिंह, कन्हैयालाल शर्मा तथा पांचूलाल वैष्णव आदि शामिल थे। जहां हम खड़े हैं यहाँ ऐसी विकट समस्या हो रही है कि इस चौराहे के बीच में जो नाली आ रही है उस नाली का पानी सारा अवरुद्ध होकर के इस चौराहे के बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। हमारे इस चौराहे के पास में नरसिंहपुरा बालिका स्कूल है, इस बालिका स्कूल के छोटे बच्चे इस गड्ढों को पार नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है अगर हम समय पे इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और आने जाने वाले बुजुर्ग लोग तो यहाँ से निकल नहीं सकते, हाथ पकड़ करके बुजुर्गों का पास करवाना पड़ता है, नहीं निकल सकते। पास में यहाँ पे डेयरी के बड़े बड़े वाहन खड़े रहते हैं, उन वाहन की वजह से पानी के अंदर जब वाहन निकलेंगे और धचके लगेंगे तो ये खड्डे और भी ज़्यादा गहरे होंगे। नरसिंहपुरा स्कूल के पास प्रशासन को भी कई बार मौका मुहैया करा दिया गया है, जमादार जी को बता दिया गया है, आयुक्त महोदय ने एक बार कहा भी था पहले कि पानी को क्रॉस कर दिया जाए, पर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से कुछ की गाड़ी ट्रांसपोर्ट जो आते हैं वो लोग परेशान करते हैं, इसको क्रॉस करने नहीं देते और पानी भरता है। वृद्ध बच्चे दिन भर जो भी आते हैं सारे परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, महिलाएँ भी निकलती है, सुबह प्रभात फेरी वाले भी जाते हैं, सभी लोग परेशान हैं। प्रशासन से निवेदन है कि फटाफट इस व्यवस्था को देखे और पानी निकासी की पूरी उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद। बुलेटिन में यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। प्लम्बर आया? देखो भैया फिर से लीकेज। अरे कोई भी ऐसा वैसा पाइप लगाएंगे तो लीकेज तो आएगी ना। अंदर सुप्रीम CPVC पाइप और फिटिंग्स ही लगवाओ और लीकेज जो जंग की चिंता भूल, सुप्रीम निभाए जीवन भर का साथ। किचन और बाथ फिटिंग में भी सुप्रीम की क्या बात। तो भैया जस्ट चिल, नो टेंशन, सुप्रीम यानी टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन। भाभी समझदार है।
क्या आप अपने घर में उन्नत क्वालिटी का पीवीसी पाइप या फिटिंग लगवाना चाहते हैं? तो आज ही सुप्रीम पाइपिंग के निकटतम डीलर से संपर्क करें, जहां आप पाएंगे यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर टैंक और भी अन्य 7000 प्रोडक्ट्स। तो अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम पाइप के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सीपी नेशनल एंड कंपनी से संपर्क करें। पार्श्वनाथ हॉस्पिटल के पीछे, उदयपुर रोड, ब्यावर। सुप्रीम प्लास्टिक पाइप और फिटिंग्स का तो जवाब नहीं, खेत हो या घर, सुप्रीम है सबसे बेहतर। जिंदगी भर निभाए साथ, 100% वाटरप्रूफ। सुप्रीम, इंडिया की नंबर वन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंपनी। अरे आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं? कभी कभी रिश्तों को भी तवज्जो देनी पड़ती है। कमाल के लोग। अरे वो चौहान कॉलोनी के प्लॉट का क्या हुआ? साहब पैसे बहुत मांग रहा है। चल साहब, क्या था? अरे अरे कहां घुसा रहा है ये? कौन है भाई? सर ये बाहर हंगामा कर रहा था। भैया नशा नाश की जड़ है, समझ गया? शराब पीने से पैसे भी खराब होंगे और जिंदगी भी बर्बाद होगी। क्यों पीता शराब? यदि कम पढ़ा लिखा हूँ, मध्यम दौर में कोई काम देता है नहीं, अब आप बताओ क्या? अरे भाई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पूंजी लगाकर ही बड़ा व्यापार करें, रोज कमा खाने वाली बात कर। अरे भाई कम पढ़े लिखे हो तो आज ही चले जाओ पार्श्वनाथ ऑटो। हाँ, और वहां से ले आओ एपीआई ऑटो, सवारी और लोडिंग। हाँ, खूब चलाओ, खूब कमाओ। अरे भाई जिनके दिन मजदूरों की तरह बीतते हैं, उनकी रात बादशाहों जैसे गुजरती है। पार्श्वनाथ ऑटो की पेशकश एपीआई थ्री व्हीलर्स, साल 2016 में और वैदिक सुविधाओं व बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ एपीआई कर शक्ति ऑटो, लोडिंग व सवारी टेम्पो। एपीआई ऑटो 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, मजबूत चेसिस, दमदार बॉडी, शानदार पिकअप, कंपनी द्वारा अत्याधुनिक एसेसरीज फिटिंग, अनेक रंगों व मॉडल में उपलब्ध, वाहन एक्सचेंज व फाइनेंस की आसान सुविधा। किसी भी कंपनी का पुराना टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर लाइए और अधिकतम मूल्य पर ले जाइए एपीआई ऑटो। तो संपर्क कीजिए पार्श्वनाथ ऑटो, देलवाड़ा रोड, ब्यावर, 9992806708, अजमेर का पता है पर्वतपुरा बाईपास, नेशनल ट्रैक्टर के पास, अजमेर। सर जी मैं भी एपीआई ऑटो लिया है, कम लागत में भरपूर मुनाफा, एपीआई ऑटो। मोनीस एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आप पाएंगे किड्स वे गर्ल्स वियर के बेहतरीन कपड़े, जिसमें फ्रॉक टॉप, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, बाबा सूट, जींस, शर्ट, टॉपर, कैप्री, ब्लेजर, सलवार सूट, कॉट पैंट वे अन्य आकर्षक वैरायटियों के साथ। तो आज ही चले आइए मोनीस एक्सक्लूसिव शोरूम, पाली बाजार, कैम मार्केट के पास, ब्यावर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सूरजपुल गेट बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर से लेकर मसूदा रोड पुलिया तक 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क मंगलवार को विधायक शंकर सिंह रावत तथा नगर परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान ने उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक तथा सभापति ने शिलान्यास करते हुए सड़क निर्माण कार्य शुरू किया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से उपेक्षित पड़ी सड़क की अब दशा सुधरने वाली है। आज शुभ दिन है कि इस सड़क के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। विधायक रावत ने कहा कि नगर परिषद के भाजपा शासन के 3 वर्ष में शहर में हर तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। शहर के प्रत्येक वार्ड में सड़क, नाली तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया, जयकिशन बल्दुआ, पार्षद नरेश कनौजिया, ईश्वर तंवर, रविन्द्र जॉय, विनोद खाटवा, अंगद्राम अजमेरा, प्रकाश परिहार, ऋखव चंद खटोर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओपी चौहान तथा एस एस सलूजा आदि उपस्थित थे। जेतारण कस्बे में टेंट का काम निपटाने के बाद पिकअप में सवार होकर कुशालपुरा लौट रही मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी गाय को बचाने के चक्कर में पलट गई, जिससे पिकअप में सवार सभी 10 मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जेतारण स्थित राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर मामूली रूप से चोटिल 7 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल
बिलाल पुत्र ईसु, मंजू पुत्री जोहरी मूल तथा रहीमुल हक पुत्र पमरुद्दीन निवासी कलकत्ता को प्राथमिक उपचार के बाद एकेच के लिए रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ब्यावर पहुंचे तीनों घायलों को एकेच में उपचार जारी है। घटना सोमवार देर रात्रि में जेतारण हाईवे पर घटित हुई है। सभी मजदूर कुशालपुरा में एक टेंट व्यवसायी के यहाँ काम करते हैं। श्रीमद् भागवत परिवार की ओर से संचालित प्रभात फेरी परिवार का रविवार को महासंगम हुआ। प्रभात फेरी परिवार के संजय घिया ने बताया कि सुबह 6 बजे प्रभात फेरी परिवार की 6 शाखाओं का संगम सूरजपोल गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर पर हुआ। इस दौरान श्रीमद् भागवत परिवार की ओर से पूर्व विधायक देवीशंकर भुतड़ा के पुनः भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया गया। इस दौरान कपिल मुनि, संत केवलराम महाराज, फतेहगिरी महाराज, ओम प्रकाश घिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। निजी विद्यालय संघ ब्लॉक जवाजा के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने मंगलवार को निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। रैली के रूप में उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे स्कूल संचालकों ने SDM को दिए ज्ञापन में बताया कि राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के कार्यकाल में समस्त निजी शिक्षण संस्थाएं अत्यधिक पीड़ित हुई है। ज्ञापन में बताया गया है कि न तो सरकार की ओर से निजी विद्यालयों को किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है और न ही विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी योजना में उन्हें शामिल किया जा रहा है। ठीक इसके विपरीत निजी विद्यालयों को समाप्त किए जाने के लिए प्रतिदिन कोई न कोई पाबंदियां लगाई जा रही है, जिससे निजी स्कूल संचालक आहत है। ज्ञापन में पांचवी बोर्ड परीक्षा आयोजन को निरस्त करने, फीस निर्धारण कमेटी की बाध्यता समाप्त करने, मान्यता नियमों में शिथिलता बरतने, पूर्व की भांति बोर्ड में मेरिट व्यवस्था पुनः लागू करने, मेघावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि व अन्य परिलाभ सरकारी स्कूलों के अनुसार उपलब्ध करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप सिंह, राजेश शर्मा, ओमा राम, संजय अरोड़ा, जितेंद्र सिंह, हेमंत कुमार सहित अन्य निजी स्कूल संचालक शामिल थे। आज हम यहाँ पे समस्त जो भी निजी विद्यालय संचालक है ब्लॉक जवाजा और ब्यावर में जो निजी विद्यालय हम लोग संचालन कर रहे हैं, तो सरकार की कुछ नीतियाँ जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए प्रतिकूल नहीं है, तो उनमें संशोधन करवाने के लिए, उनमें अमेंडमेंट करवाने के लिए हमने आज एक SDM साहब के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी जितनी भी निजी समस्याएं हैं, जैसे फीस एक्ट जो है, फीस एक्ट के निर्धारित करने की हमें निर्देश दिए गए हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आप फीस कमेटी बना लें। उसमें काफ़ी विरोधाभास है, उनका सभी स्कूल्स विरोध करते हैं। दूसरा पांचवी बोर्ड लागू करने के लिए कह रहे हैं सब, आप पांचवी बोर्ड लागू कर दें, जबकि काफ़ी विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में संचालित हैं उनका सिलेबस आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं है और बोर्ड द्वारा ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप पांचवी के बच्चों को सभी को बोर्ड में वो करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए कि जब सिलेबस ही उपलब्ध नहीं है तो हम लोग कैसे बच्चों को बोर्ड में एंट्री देंगे, और बोर्ड में यदि हम एंट्री देते हैं तो उनका सिलेबस जो पेपर आते हैं, जिस तरीके से 10वीं के अंदर एक निर्धारित पैटर्न दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम में से इसमें से आएगा, तो इन काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमने विस्तृत रूप से जानकारी दी है और SDM साहब के थ्रू हमने ज्ञापन दिया है कि भाई वसुंधरा मैडम तक पहुँचे और हमारे जो भी निजी विद्यालय हैं उनके जो हक हैं, जो नियमानुसार हम संचालित कर रहे हैं, उन नियमों के अधीन हमें विद्यालय संचालित। नगर परिषद ब्यावर के नेता प्रतिपक्ष दलपत राज मेवाड़ा के साथ विगत दिनों नगर परिषद परिसर में हुई मारपीट को लेकर कांग्रेसी पार्षदों का एक दल मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने SP को एक पत्र देकर पुलिस थाना ब्यावर सिटी में दर्ज सूचना रिपोर्ट संख्या 714/2017 में निष्पक्ष अनुसंधान करवाकर मुलजिमान को विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
मुलाकात के दौरान पार्षदों व देहात जिला अध्यक्ष राठौर ने बताया कि 10 नवंबर को नगर परिषद परिसर में घटित प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज आदि में नेता प्रतिपक्ष मेवाड़ा के साथ एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। नगर परिषद परिसर में किसी लोक सेवक के साथ मारपीट करने के प्रकरण में धारा 323-353 के तहत मामला दर्ज किया जाना था, लेकिन पुलिस ने आरोपी कैलाश गहलोत को बचाने तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए 323, 341 तथा 379 में मामला दर्ज किया गया है। पत्र में मारपीट विधायक तथा सभापति की शह पर किए जाने का आरोप लगाया है, क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का ब्यावर अध्यक्ष है तथा शहर में अवैध रूप से समारोह स्थल का निर्माण करवाकर संचालन कर रहा है, जबकि उक्त समारोह स्थल को सीज करने के आदेश जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से मौखिक रूप से दिए गए हैं। बताया गया है कि उक्त मारपीट नगर परिषद सभापति द्वारा भूमाफियाओं से मिलीभगत कर शहर के बहुचर्चित वेस्ट पैटर्न प्रेस प्रकरण से आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से करवाया गया है। बताया गया है कि आरोपी कैलाश गहलोत ने भी वास्तविकता तथा अपनी गलती को छिपाने के नियत से झूठे तथ्यों पर एक प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसमें स्थानीय विधायक व सभापति द्वारा अनुसंधान में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। मुलाकात के दौरान उपस्थित सभी ने जिला पुलिस अधीक्षक से उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करते हुए सभापति के विरुद्ध लोकायुक्त के यहां विचाराधीन प्रकरण में कार्रवाई करने की अनुशंसा करने की भी मांग की गई है। मुलाकात के दौरान देहात जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, पार्षद श्रीमती कमला दग्दी, संपत्ति बोहरा, बाबूलाल पवार, हनुमान चौधरी, नौरद प्रजापति, भरत बाघमार, मोहम्मद हारून छिपा, सुबेदार मोहन सिंह, ज्ञानदेव झंवर सहित अन्य उपस्थित थे। 10 तारीख को मैं नगर परिषद ब्यावर कैंपस के अंदर खड़ा था। दिन की 2 बजे की बात थी। एक भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति है जो किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, उसने ब्यावर में अवैध रूप से निर्माण कोई बिल्डिंगें बनाई थी। उस बिल्डिंग की शिकायत उन्हीं की पार्टी के पार्षद ज्ञानदेव जवर द्वारा नियंत्रित बार बार की रखी है। उसकी बिल्डिंग सीज हो गई, सीज होने का उसको बड़ा दुख लगा, तो उसने उस पार्षदों पर हमला करने की प्रयास चेष्टा की, पर वो हमलेवर के अंदर ज्ञानदेव जवर को नहीं पीट पाया और उसने सभापति और विधायक के इशारे पर एक सुनिश्चित नगर परिषद में योजना बनाई। इस योजना के तहत सभापति जी वहाँ से 10 मिनट पहले निकलते हैं और 10 मिनट बाद में उस हमलावर ने मुझ पर हमला किया, जबकि मैं एक लोक सेवक हूँ, मैं एक नगर परिषद का ट्रस्टी भी हूँ, एक नेता प्रतिपक्ष भी हूँ। तो नगर परिषद के मुख्य जो सभापति महोदय हैं, जो आयुक्त हैं वहाँ के, उनकी दायित्व बनता है कि उस कैंपस में किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ कोई अपमानित घटना हुई तो उसकी सूचना नहीं बल्कि उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। मुकदमा तो बहुत दूर की बात है, वहाँ के स्थानीय सभापति और विधायक महोदय उसके कार्यालय में जाके उसे माला अभिनंदन और मिठाई खिलाते हैं, क्योंकि उनके गुंडे राज के अंदर हमने जितने ब्यावर में अवैध निर्माण हुए हैं, जितनी अवैध जो भाजपा के जो घोटाले हैं जिनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे साथ इस तरीके की मारपीट की गई है, जबकि पुलिस प्रशासन को हमने वहाँ के फुटेज, वहाँ के वीडियो के कैमरे के जो भी फुटेज थे हमने उपलब्ध करा रखे हैं और माननीय डिप्टी साहब ने, सीआई साहब ने देख चुके हैं, उनको बिल्कुल एहसास हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा न तो उस व्यक्ति से बात की गई है, बल्कि उसने 3 व्यक्तियों को लाया। एक व्यक्ति तो उसमें से ये था जिस पे एचएस की फाइल है, जिस पे टाडा के मुकदमे हैं, वो व्यक्ति उस कैंपस में आगे जनप्रतिनिधि को मारता है, तो क्या वहाँ का नगर परिषद क्यों चुप बैठी है? ये पूर्ण उनका भाजपा का संरक्षण है, मेरा यही कहना है। प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में नगर परिषद के माध्यम से संचालित होने वाले विभिन्न कार्यकलापों तथा सरकारी योजनाओं की गतिविधियों की जानकारी अब शीघ्र ही आम शहरी को भी होगी। नगर परिषद प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन गतिविधियों की जानकारी के लिए नगर परिषद के नेहरू गार्डन नेम एक LED लगाई जा रही है। LED के माध्यम से तमाम गतिविधियों की जानकारी स्क्रीन पर चलती रहेगी, जिसमें योजना से संबंधित लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति सहित अन्य प्रकार की तमाम जानकारी मिलेगी। नगर परिषद आयुक्त डॉ. दिनेश राय सापेला ने बताया कि नगर परिषद की ओर से संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों व योजनाओं की जानकारी के लिए बामाशाहों के सहयोग से एक 8x6 साइज की एक LED गार्डन में लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि तमाम योजनाओं की जानकारी के साथ साथ शहरवासियों को नगर परिषद के अकाउंट संबंधी लेखा जोखा की जानकारी भी इस LED के माध्यम से मिलेगी।
माली समाज बाड़ाबास की ओर से मंगलवार दोपहर को सूरजपुर गेट बाहर स्थित मालियान पंचायत भवन में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व विधायक देवीशंकर बुतरा को पुनः भाजपा में शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान उपस्थित समाज बंधु तथा भाजपा के विचारवान कार्यकर्ताओं ने बुतरा का माला इस्तीफा पहनाते हुए स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने बुतरा द्वारा अपने निष्कासन काल में भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सराहना की। इस मौके पर बुतरा ने भी अपने संबोधन में कहा कि पार्टी से बाहर होने के बाद भी हमने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुँचाई है। चुनाव के दौरान भी हमने कभी पार्टी से बगावत नहीं की बल्कि कार्यकर्ताओं का मान रखते हुए ही इस प्रकार का रास्ता चुना था। निष्कासन काल में पार्टी के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए ही केंद्र व प्रदेश नेतृत्व ने 6 साल के बजाय 3 साल में ही पार्टी में वापस लिया है, जो कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। इस दौरान पूर्व सभापति जयसिंह राजपुरोहित, पूर्व सभापति डूंगर सिंह साखला, पूर्व पार्षद रमेश तगती, मोती सिंह साखला, विनोद खाटवा, राधेश्याम साखला, अंगद राम अजमेरा, नरपत सिंह रावत, सोहन मेघवाल, लक्ष्मण सिंह हुड़ा, तुलसी बोथरा, देवेंद्र शर्मा, राजेश्वर यादव तथा मंजू अरोड़ा, नटवर अरोड़ा, त्रिलोक शर्मा, संतोष जागृत, रवि चौहान, राकेश जांगीर, वेदराज भाटी, चेतन गोयर, गौरीशंकर भाटी, सत्य स्वरूप शर्मा, सीपी बुतरा, सुंदरलाल भाटी, जेपी सोलंकी सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंगलवार को किशनपुरा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में विधायक परिवार द्वारा अतिक्रमण करने के मामले का खुलासा हुआ। करीब 4.25 बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण के विरोध में ग्राम सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ग्राम सभा के दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। वही विधायक ने जनहित का हवाला देकर शिवाचक भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की मांग दोहराई। उधर सरपंच ने इसे जनहित के विरुद्ध बताते हुए विधायक परिवार पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। भाजपा के शासन में अतिक्रमण का मुद्दा जमकर छाया रहता है। अतिक्रमण को रोकने हेतु सरकार के सार्थक प्रयास उस वक्त नाकामयाब हो जाते हैं जब सरकार के ही जिम्मेदारों पर अतिक्रमण के आरोप लगने लगते हैं। जी हां, मामला है ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत का, जिनके परिवार पर उनके पैतृक गांव किशनपुरा में करीब 4.25 बीघा जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मंगलवार को एक बार फिर ग्राम सभा में विधायक के प्रयासों से शिवायचक भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की मांग दोहराई गई। ऐसे में सरपंच द्वारा शिवायचक भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए विधायक को ही अतिक्रमण हटवाने की नसीहत दे दी गई। ग्राम सभा में कोरम पूरा न होने के कारण एजेंडे में प्रस्ताव को सम्मिलित तो नहीं किया गया, लेकिन मौके पर हुए विवाद ने विधायक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मौके पर करीब 4.25 बीघा शिवायचक भूमि पर किया गया निर्माण अतिक्रमण बताया गया है। इसी भूमि को अब आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव लाकर उसे पारित करने के लिए जद्दोजहद जारी है। जानकारी के मुताबिक ये मामला दरअसल 20 जुलाई 2015 को शुरू हुआ जब ग्राम सभा में भूमि परिवर्तन के इस प्रस्ताव को सम्मिलित कर लिया गया। बाद में विधायक के दबाव के कारण प्रस्ताव के सम्मिलित होने का हवाला देकर 26 फरवरी 2016 को ग्राम सभा में प्रस्ताव को जनहित के विरुद्ध बताकर प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में सरपंच योगिता भाटी द्वारा शिवायचक भूमि पर इस दौरान किए गए निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए विधायक परिवार के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर जिला कलेक्टर से अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई। उसके बाद हाल ही में 6 अक्टूबर 2017 को पुनः सरपंच द्वारा उपखंड अधिकारी से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार को ग्राम पंचायत किशनपुरा में ग्राम सभा आयोजित हुई, लेकिन कुल आबादी का 10% उपस्थित नहीं होने पर करीब 50 लोगों की उपस्थिति में सभा संबोधित नहीं हो पाई। इस दौरान विधायक पर तत्काल सभा में प्रस्ताव सम्मिलित कर पारित करने के दबाव का भी आरोप लगा। कोरम तो जनता के लिए था, ग्राम सभा जनता के लिए थी, पर कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत मामले उठा दिए। जहाँ वो अपनी पर्सनल मैटर को उठा रहे थे, अपनी ज़मीन को बचाना चाहते थे, जबकि उनका अतिक्रमण में आता था। ऐसे कौन लोग हैं? शंकर सिंह रावत जी विधायक। तो क्या उनका अतिक्रमण है कोई? जी हाँ, उनका पास ही में अतिक्रमण है। कितना है? 3 बीघा के आसपास।
अगर ये निलंबित कराना चाहता है, उसको क्रश करना चाहता है, यहाँ की जनता के साथ कुठाराघात कर रहा है, तो हमने निवेदन किया कि भाई सर्वमान्य भाई विधायक जी, आपने भी अतिक्रमण कर रखा। कुछ समय पहले इसी विधायक जी ने मेरे गांव की मेरी गरीब जनता विधवाओं के मकान को तोड़ने के लिए उसने नोटिस भिजवा दिए थे। अब जब हमने ये कहा कि जाकर के उनसे निवेदन करो कि ऐसा नहीं हो, विधवा है बिचारी, उसके पास मकान नहीं रहने के लिए, तो माननीय विधायक जी ने कहा कि ये तो टूटेंगे। तो जब हमने कहा कि आपने भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है 3 बीघा समथिंग विश्वास जमीन पे, आप क्यों नहीं इसको मुक्त करते हैं? आज ग्रामवासियों को जबरदस्ती यहाँ पर खुद का भला करना चाहते हैं, खुद की अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं, खुद के अपने मकान को बचाना चाहते हैं और लोगों को आगे कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा पर्सनल मामला है तो व्यक्तिगत पंचायत में आके बैठे, विधायक तुम्हारी इज्जत अपने को प्यारी है तो हमसे बैठ के बात करें। लोगों के मकान डसवाते हैं, जब आपकी दीवार टूटती है आपका मकान टूटता है विधायक जी, तो बड़ा दर्द होता है। मेरे इस क्षेत्र में इस रोड पे ऐसे ऐसे मकानों को तोड़ा गया कि आज वो जनता कर्जे में डूब गई है। जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर को पंचायत समिति की साधारण सभा में किशनपुरा ग्राम सभा के मध्य 4.25 बीघा जमीन को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की मांग दोहराई गई। समिति में ग्राम सभा के अधिकार का हवाला देकर मामला ग्राम सभा कोरम के निर्णय पर छोड़ा गया। इस दौरान ऑब्जर्वर के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी को मामला देखने के लिए कहा गया। इसी कारण मंगलवार को हुई ग्राम पंचायत की सभा के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौका मुआयना कर ग्राम पंचायत का मामला बताते हुए सभा के निर्णय पर ही मामले को देखने की कहा। सभा के दौरान जवाजा SHO सहित पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। 16-11-17 को पंचायत समिति की साधारण सभा जो जवाजा में हुई थी, उसमें कुछ ग्रामवासियों ने हिम्मतपुरा किशनपुरा पंचायत से जो ग्रामवासी थे उन्होंने मांग की थी कि उनकी आबादी के प्रस्ताव को देखा जाए और उस पर विचार विमर्श किया जाए पंचायत समिति के स्तर पे। तो पंचायत समिति के जितने भी सदस्य थे उन्होंने अपने स्तर पे ये निर्णय लिया कि ये ग्राम सभा का क्षेत्र अधिकार है कि आबादी ग्राम में होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए और कौन से एरिया में होनी चाहिए, तो ये ग्राम सभा अपने स्तर पे इसका निस्तारण करे। और उन्होंने प्रशासन को, जैसे BDO साहब को, तहसीलदार को और SDM को भी इसमें पाबंद कर दिया कि आगामी ग्राम सभा में एज एन ऑब्जर्वर मौजूद रहे। भूमि आबादी कन्वर्ट करने में साधारण पंचायत, ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा का एक साधारण सभा में एक डिसीजन निर्णय लिया जाता है, इसमें कोरम की पूर्ति होनी चाहिए थी, समस्त जो कमेटी मेंबर्स हैं वार्ड पंच वो अपने सिग्नेचर देते हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र को आबादी में ली जाए। और उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से जब देखा जाए तो एक फॉर्मूला बना हुआ है जिसमें गांव के ग्राम की और ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार उसमें कितना क्षेत्रफल आबादी डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके फॉर्मूला के हिसाब से आगे आबादी घोषित करने का या प्रस्ताव बनाने का कलेक्टर के स्तर पे प्रस्ताव भेजा जाता है अभिशंसा कर। फिर इसके जो आदेश हैं कलेक्टर सर के आदेश, अभी इसकी जांच हो रही है तहसीलदार और BDO के स्तर पर, एक बार पूरी जांच हो जाए उसके बाद फिर इस पे और गौर किया जाए। उधर 4.25 बीघा भूमि पर निवास कर रहे विधायक सहित 7 परिवारों ने ग्राम पंचायत से उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की मांग उठाई है। जनहित का हवाला देकर नियमों के तहत भूमि परिवर्तन करवाने पर उक्त परिवारों ने सरपंच पर हठधर्मिता का निशाना साधा है। उनके मुताबिक कोरम पूरा न होने के पीछे भी सरपंच को जिम्मेदार ठहराया गया है। हम अपनी पीड़ा को लेके ग्रामवासी पूरे ये मतलब क्या कि हमारी पीड़ा को फेल करने के लिए किसी को नहीं आने दिया, कोई नहीं आया नहीं बुलाया, इसीलिए हमें अभी क्या है, अभी एक मेरी रिपोर्ट छोटी सी कि जब ये प्रस्ताव लेते हैं 2-3 आदमी प्रस्ताव को पास कर लेते हैं और आज हमारे पूरे ग्रामवासी आए तो पॉइंट आ गया 4-10% आदमी 400 आदमी होना चाहिए। हमारे नंबर 6-8 में 400 आदमी की नफरी नहीं है, हम किसको लेके आए? पीड़ा तो हिम्मतपुरा वालों के, किशन वाले क्यों आएंगे, दूसरी पंचायत क्यों गांव के क्यों आएंगे? तो इसलिए आज वार्ड पंच एक यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि हमारे प्रशासनिक अधिकारी सारे आए, विकास अधिकारी महोदय है, SDM साहब है, तहसीलदार साहब है, सरपंच साहब है, बाकी है और बाकी जनप्रतिनिधियों को सूचित ही नहीं किया गया ये ग्राम पंचायत किशनपुरा के द्वारा।
ये ग्राम सेवक जी बोल रहे हैं हमने चस्पा किया है, तो हमने ग्राम सेवक जी को बोला प्लीज़ हमें बताइए आपने कहाँ चस्पा किया है। ये पेपर में जो लिखा है कि ग्राम सभाएँ होनी है 21 तारीख को, इस वजह से हिम्मतपुरा वाले अपनी पीड़ा लेके और पंचायत में उपस्थित हुए, मगर यहाँ पे बोला सरपंच साहिबा ने कि 1/3 सॉरी 10% जनसंख्या नहीं है तो आपकी पीड़ा का प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा, खारिज हो जाएगा वो, क्योंकि पूरी नफरी नहीं है उसके मुताबिक। अगली बार किसी और का हम भी नहीं वोट देंगे। उसके मुताबिक जब उन्होंने सूचित ही नहीं किया है और किसी जनप्रतिनिधि जो वार्ड पंच है 12 वार्ड पंच है पंचायत के अंदर उनमें से एक भी परमानेंट नहीं है, क्या बता सकते हैं कि क्यों नहीं है? उनको फोन कर दिया गया है कि आप नहीं आना है, इस हमतपुरा की पीड़ा को पास कर देंगे, आप लोग आओगे तो पीड़ा पास हो जाएगी तो उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी, उसको पीड़ा को दूर नहीं करना। विधायक परिवार पर लगे अतिक्रमण के आरोपों के बीच फिलहाल जमीन पर किए गए निर्माण का कोई हल नहीं निकल पाया है। प्रशासन द्वारा मौके पर किए गए अतिक्रमण को जांच की नजर से देखा जा रहा है। नियमों की बात करें तो 1 एकड़ अर्थात करीब 2.5 बीघा जमीन पर 35 परिवारों का बसेरा कुल आबादी भूमि में परिवर्तन के नियमों को पूर्ण करता है। उसके बाद ग्राम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव पंचायत समिति, उपखंड अधिकारी और फिर जिला कलेक्टर तक भेजा जाता है। फिलहाल सरपंच और विधायक के प्रस्ताव की फांस जांच के नाम पर फंसी है। एक और अतिक्रमण के प्रमाण, उस पर जनहित का हवाला और विधायक की भागीदारी मामले को गंभीर बना चुकी है। अब देखना यह होगा कि विधायक परिवार द्वारा किया गया अतिक्रमण वैध है या अवैध, क्या पूरे मामले में विधायक की भूमिका से पर्दा उठेगा, इसकी जांच किस तरह होगी और ग्राम सभा द्वारा जनहित में क्या फैसला लिया जाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये साफ है कि ग्राम सभा में पिछले 2 साल से चल रहा यह मामला प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यशैली को जरूर उजागर करेगा। विजुअल एडिटर चंद्रेश के साथ कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट, जेएसके न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। स्वस्थ भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण केंद्रों पर रंगोली प्रतियोगिता संपन्न, स्कूली बालिकाओं ने बनाई आकर्षक रंगोली। विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दिया विधायक को ज्ञापन, सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की रखी मांग। सात माह से मानदेय को तरस रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर SDM को दिया ज्ञापन। और नेता प्रतिपक्ष मारपीट प्रकरण को लेकर SP से मिले कांग्रेसी, प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की रखी मांग।